गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कल अनसाब लगे हुए अपने फ़ोन में और मेरा काम होता है अभी शुरू। और हमने अभी की है योगा शोगा, नहाई और पूजा की और ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो अभी मतलब झाड़ू तो हो गया है, बाहर जो पौधे हैं उनमें पानी डालना है क्योंकि कल हम थे नहीं, तो इसलिए कल पानी पौधों में नहीं डाला है। तो अभी ऐसा है और बाकी पूरे दिन में क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो जो मैं करूंगी। और तो अभी प्लांट्स के पास चलते हैं, दूध गर्म करके रख दिया है। और तलन साहब को आज जाना है बेटी के पास और मेरे को रहना है यहीं पे। तो देखो जब गेहूँ निकलते हैं ना तो ऐसे इतना सारा कूड़ा ना छत पे आ जाता है। देखो अब लेट तो मैं काफ़ी हो गई हूँ प्लांट्स में पानी देने के लिए, लेकिन देना पड़ेगा। पहले ये सारा कूड़ा उधर कर लेती हूँ। ये ना जैसे गेहूँ निकाल देते हैं ना खेतों में, आग लगा देते हैं, तो उसकी ये चीज़ें उड़ उड़ के ना यहाँ पर आ जाती हैं। हम खेतों से हैं तो काफ़ी दूर, लेकिन ना हवा के साथ साथ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो कितना सारा कूड़ा हो गया है। और परसों भी हम कहीं चले गए थे तो टाइम नहीं लगा था पानी देने का, और कल भी चले गए थे तो अब देखो वो देना कैसे प्यासे रखे। इधर दिखाते हैं देखो, तो अब ये सारे प्लांट्स में पानी डालूंगी। पाइप ऊपर से लगा हुआ रोन कर दिया है तो फटाफट इनमें जो पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें खाली ये इनको नहलाना है, तो ये मैं डाल देती हूँ पानी। तो जी अभी चल लग रहे हैं हम किचन में और सिलेंडर खत्म हो गया और उसको चेंज करने कल सब बाहर गए हुए हैं। तो अभी ये इतने सारे प्याज काट दिए हैं और मतलब 1 किलो से ज़्यादा प्याज है, 1 किलो से ज़्यादा टमाटर है, क्योंकि मेरे को बेसिकली जो मसाला बनता है ना सब्जी में डालते हैं तड़के में, वो मसाला बनाना है। और ये करेले बनाने हैं बेटी के पास ले, तो उसी की तैयारी में लगी हुई है। और ये चोपर है ना, बड़ा मस्त वाला चोपर। दो है किंडर का, एक उसका इसका बुक करा देता हूँ भारत का। चलिए करो पहले रोटी बनाओ।
करेले पकड़ाई हो करेले और दूध भी करेले पकड़ा तो जी अभी टाइम मैं बता दूं 4:15 हो गए हैं और काम मेरा अभी खत्म तो हुआ नहीं है। हाँ पर मतलब मैं बैठ के मतलब राहत की सांस ले सकती हूँ, इतना खत्म हुआ है। और गुड्डी के पापा गए गुड्डी के पास और उसका ढेर सारा समय जो कि वो छोड़ भी गई थी यहाँ पे, क्योंकि जब हमारे जागरण था ना इसका 30 तारीख का यानी मंडे का नो सॉरी ट्यूसडे का, तो अगले दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी चली गई थी क्योंकि उससे अगले दिन उसकी कॉन्फ्रेंस थी, तो वो बहुत सारा सामान यहीं छोड़ गई थी। तो वो दिया है कुछ खाने पीने का और भी मैंने बनाया था, तो जैसे टमाटर प्याज का मसाला होता है ना जो सब्जी कत्तड़ का बोलते हैं, वो तकरीबन मैं 15-20 दिन का बना के और रख देती हूँ, मतलब उसको दे देती हूँ, उसको दिक्कत ना होती है। और 1 किलो मैं करेले लेके आई थी, वो सारे बना के दिए, कहीं दूध पैक करना, कहीं दही पैक करनी और कहीं रोटी पैक करनी, बहुत सारा सामान हो जाता है। तो गुड्डी के पापा बल्कि मेरे को भी ले जाने के लिए बोले थे चल तू भी चल, तो मैंने कहा नहीं मेरा काम अभी बहुत बाकी है। और पूरा 1 हफ्ता हो गया प्रोग्राम को ख़त्म हुए भी, लेकिन कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे, पूरा हफ्ता पूरा मतलब बिजी रहे हैं। तो अभी मैं ना योगा कर पा रही हूँ, ना मेरे खाने का रूटीन हो पा रहा है, और मीठा भी दबा के खा रही हूँ। तो ये है, और अभी मैं एक पैक बताऊंगी आप लोगों को, तो वो मैं लगा रही थी, बेसिकली मैंने आधा तो बना ही लिया है। फिर मैंने मेरे को ध्यान आया ओहो मेरी फैमिली तो रह गई जिसके साथ मुझे इसी रेमेडी शेयर करनी थी, तो जैसी भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा ये तो है दही, ताज़ा दही है, और इसमें मैंने एक तो मुल्तानी मिट्टी ले ली है, कस्तूरी हल्दी ले ली है, और ये कॉफ़ी पाउडर ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें हिबिस्कस पाउडर डाल लिया है। तो अब इसमें हाथ से ही छूट गया था मोबाइल, लेकिन नीचे गिरा नहीं, ये शुक्र है। तो अब इसमें दही का इस्तेमाल होगा और या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल होता है, तो मैं चम्मच उठाती हूँ। अब ये ना पूरा भरा हुआ था तो गुड्डी के लिए भी भेज दी है मैंने दही, और इसमें डाल देते हैं ये ताज़ा दही, और अब इसको ना अच्छे से मिक्स करके और फिर अपने फेस पे लगा लेना है। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको, आप लोगों को फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ, रुक जा भाई। हाँ अब ठीक है, अभी मैंने फेस अपना साफ कर रखा है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको एक थिक लेयर लगाएंगे, और इसको कम से कम 20 मिनट इसको रखना है। तो ये ग्लोइंग का काम तो करेगा ही करेगा, और स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा, डेड सेल्स को भी रिमूव करने का ये काम करेगा। अब ये देखो, ये देखो, तो इसको हालांकि मेरे को ये चेंज करना चाहिए था, पर चलो ऐसे ही लगा लेती हूँ। और मैं ये दिन में यूज़ कर रही हूँ, मतलब 4:15 हो गए हैं तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इसको, लेकिन अगर आपको मतलब कहीं जाना है तो आप दिन में यूज़ कर लेना, और वैसे इसको रात को यूज़ करना। बाकी मैं रात में भी यूज़ कर लेती, लेकिन मैं 2-3 दिन हो गए इसको इसके बारे में सोचते सोचते तो मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा, तो दाएँ बाएँ भी है ना काम पूरे करने में ना,
एक तो शाम को थकान हो जाती, फिर मैं ऐसे लेट चलती हूँ। और बल्कि मैं कल भी सोच रही थी लगाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ कल करती हूँ, कल 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 कर करते ना पूरा हफ्ता चला गया। तो देखो जिस चीज़ का जब टाइम आना होता है ना तभी आता है ना। तो इसको पूरे फेस पे एक मोटी लेयर लगा के और छोड़ देनी है। और आप पीछे भी गर्दन पे भी लगा सकते हो, बाकी मैं अभी लगाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को अभी नहाना नहीं है, सोते वक्त ही नहाऊंगी। और मैं टी शर्ट भी नहीं डाल रखी है, ये इस कमीज़ पे लग जाएगा। और इसमें है क्या है, हल्दी पाउडर। और ये मेरा कमीज़ जो है इसमें वाइट कलर का डिज़ाइन है, तो इस पे हल्दी लग जाएगी तो वो उतरेगी नहीं। अब ये ज़रा सा बच गया है, इसको लगा लेती हूँ अपने हाथों पे। ये देखो ऐसे हाथों पे, जो भी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हो ना, मतलब कोई भी पैक आप बना रहे हो तो उसको अपने हाथों पे ज़रूर से अप्लाई करना। इतना थोड़ा सा तो बच ही जाता है, बेसिकली हाथ भी तो सुंदर चाहिए ना, है ना। तो अब ये थोड़ा सा बचा था, तो थोड़ा सा बचा था तो इसको फेंकना किस लिए, अब ये देखो। और इसको मतलब अच्छे से मालिश करनी है, यानी मालिश नहीं मतलब एक दवा के मसाज करनी है। मसाज यानी मालिश, तो जैसे हल्के हाथों से ना तेल की घी की मालिश करके छोड़ देते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथों से मसाज करते हैं ना, वो बेसिकली एक फेशियल की रेमेडी की इस तरीके की होती है। तो ये, और इसको तो हाथों को तो आप धो सकते हो, लेकिन फेस को बिल्कुल ये ड्राई हो जाए ना, मतलब 15 मिनट में रखूँगी, 15 मिनट में ड्राई हो ही जाएगा, और कूलर के आगे बैठूँगी तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। लेकिन आपने ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद फिर इसको धोना है। कैसे धोना है, गीले हाथ किए, पूरा फेस गीला किया, थोड़ी सी मसाज की, और देन सिंपल टैप वाटर से रिमूव कर देना है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, और इसको यूज़ करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर से ट्राई करके देखना, ठीक है। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा, देखो टीवी देखे ना तकरीबन महीना सारा हो गया है, बस कभी जैसे हमारे प्रोग्राम के फ़ोटो आए हुए थे तो वो हमने उसमें टीवी में चला के देखे थे, और बाकी तो मैंने, हाँ महीना सारा हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा बिजी चलते हुए तो वो मैं देख नहीं पाई। बस थोड़ा बहुत बीच में खोल लिया, कोई वजन वगैरह लगा लिए, मंत्र वगैरह लगा लिए, तो बाकी वैसे ठीक देखा ही नहीं है। तो अब इसको मैं 15 मिनट, यानी देखो बात करते करते 5 मिनट तो हो गए हैं, अब इसको 10 मिनट और रखूँगी और फिर मैं इसको उतार दूँगी। तो उतारने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी टाइम हुआ है 9:45, और देखो किस टाइम गए थे कलन साहब, और अभी आए, बस मैं नीचे गाड़ी पार्क करवा के आई हूँ, तो वो गेट बंद करके फिर आप ऊपर आएंगे। तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, और पूजा मैंने कर ली है, बेटी की कॉल भी आ गई थी, इससे बात हो गई थी, तो अभी खाना बनाएंगे। और मेरे को तो ऐसी भूख नहीं है, बाकी उनसे पूछूँगी क्या खाएंगे, बाकी सब्जी बनी रखी है, रोटी रोटी बनानी है, तो ऐसा है। और फिर नहा कर फिर सो जाएंगे। तो अभी फिलहाल खाना बनाएंगे।